सिंगर चौरंगी पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, टोटल पार्को के पेट्रोल पंप पे। अभी पीछे से मेरे साथ वारदात हुई है, 27,000 रुपए मुझसे लेके गए, और यहाँ पर पुलिस वालों ने चोरों को देखा है कि वो बकायदा डकैत खड़े हुए। मैं इधर आया हूँ, मैंने पुलिस वालों को बताया, ये पीछे मेरे मोबाइल खड़ी हुई है, मैंने इन्हें बताया है कि मेरे पैसे लेके गए सर, ये डकैत खड़े हुए। ये यहाँ से जो है ना कोई एक्शन नहीं लिया गया, पहले मैं वहाँ गया हूँ, ये जितने लोग मेरे साथ खड़े हुए ये सब इस बात के गवाह हैं कि वहाँ पे मेरे साथ स्नैचिंग हुई है, और वहाँ पे खड़े हुए लोग बकायदा यहाँ से पेट्रोल डलवाए इस पेट्रोल पंप पे, और कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस की मोबाइल यहाँ मेरे साथ खड़ी हुई है, पहले मैं ट्रैफिक पुलिस वालों के पास गया कि सर थोड़ी सी हेल्प कर दें, उनके पास असला है, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ थाने की गाड़ी के पास आया हूँ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसका नंबर है SPB658, और मैंने ये भाई को बोला है, ये जो जा रहे हैं मेरे पीछे, इनको मैंने बोला है कि सर मेरे साथ डकैती हुई है, 27,000 रुपए मुझसे लेके गए, कोई एक्शन नहीं लिया। 3 बंदे थे पुलिस पे, ये जितने लोग मेरे पीछे खड़े हुए, और ये मोबाइल इस वक्त ये जा रही है, आप देख लें। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों से मेरी इल्तिजा है कि गरीबों को ऐसे कब तक पिसने देंगे। ये तमाम लोग जितने मेरे पीछे खड़े हुए, इन्होंने सुना है, देखा है कि मैंने इनके पास आके बोला है, कहाँ जाएं यार हम अपने पैसे लेके, अभी मैं सैलरी लेकर आ रहा हूँ, घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा, किसको बोलूंगा कि यार मेरे साथ स्नैचिंग हो गई है। ये जितने लोग खड़े हुए, इन्होंने देखा है कि मैंने पुलिस की मोबाइल को बोला है कि यार पैसे लेके चले गए, बकायदा वो तीनों के तीनों यहाँ खड़े हुए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस की गाड़ी 1 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ से चली गई है। मैं तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से दरख्वास्त करता हूँ, भैया मैंने बोला ही नहीं बोला पुलिस वालों की गाड़ी को, भाई मैंने बोला ही नहीं बोला पुलिस वाली गाड़ी को, क्या बोला है वो यहाँ से उतरे और निकल गए। भाइयों मैंने बोला है पुलिस वाली की गाड़ी को नहीं बोला, मैंने सबको बोला है। यहाँ पे 2 बंदे पुलिस, उनके पास असला भी था, उनके पास पूरी रिसोर्सेज थी, वो चाहते किसी गरीब की मदद कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंसाफ दिलाने वाला कहाँ है, कौन है इंसाफ दिलाने वाला, ये सब भी उसी फहरिस्त में शामिल है, क्या ये भी मुजरिम है। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं सरपरस्ते आला से SHO जो भी इनको लीड करते हैं, गाड़ी का नंबर 658 था जो रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा, 27,000 रुपये मुझसे लेके गए, और डकैत्स आंखों के सामने होते हुए भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और आज मैं बड़ी शर्म के साथ कहता हूँ कि मैंने कराची जैसे इलाके में आँखें खोली हैं, और यहाँ की हमारी माएँ बहनें हम महफूज नहीं हैं। खुदारा में इंसाफ दिलाइए।